जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को चैत नवरात्रि पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, चैत नवरात्रि की पूजा में हम अपना यथाशक्ति श्रद्धा भाव से जो भी मन में आता है हम माता रानी को भोग अर्पित करते हैं, और श्रद्धा से जो भी हम भोग अर्पित करते हैं उसे माता रानी ग्रहण भी करती हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, और हम इस विधि से अगर माता रानी को भोग लगाते हैं तो माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी को किस दिन किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए। देखिए, नवरात्र की 9 देवियाँ अलग अलग शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं, और इन 9 दिनों में हम इन्हें प्रसन्न करके हमारा जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण करना चाहते हैं तो इनकी पसंद का आप भोग जरूर से लगाएं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, और माता शैलपुत्री आरोग्य की देवी मानी जाती है। और धार्मिक के मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय का शुद्ध देसी का माता को भोग लगाता है तो माँ शैलपुत्री उस व्यक्ति पर अपना कृपा बरसाती है और उसे निरोग और खुश रहने का वरदान प्राप्त होता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप गाय के घी या आप गाय का घी से हलवा ही बनाकर आप माता को भोग अर्पित कर सकते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब नवरात्रि के दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। आप शक्कर बतासे का भोग लगा सकते हैं, और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन आप चीनी का भोग जरूर से लगाएं। आप इसके अलावा फल इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चीनी का भोग आप उनको ज़रूर से लगाएं। अब नवरात्रि की तीसरे दिन, नवरात्रि की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और इन्हें दूध या दूध से बनी हुई आप खीर बना लें या आप कोई मिठाई ही बना लें तो दूध से बनी हुई चीज़ों से माता चंद्रघंटा को भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति माता चंद्रघंटा को दूध से भोग लगाते हैं उसके जीवन से सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में खुशियां आती हैं। तो नवरात्रि के तीसरे दिन आप माँ चंद्रघंटा को दूध से भोग जरूर से लगाएं। अब नवरात्रि के चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मंडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मंडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मंडा को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अब नवरात्रि के पाँचवें दिन, नवरात्रि के पाँचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, और इनकी पूजा अर्चना करने से हमें आरोग्य की वरदान मिलती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो नवरात्रि के पाँचवें दिन स्कंद माता को आप केले का भोग जरूर से लगाएं। नवरात्रि के छठवें दिन, नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है, और जो व्यक्ति नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाता है उसे आकर्षण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो माँ कात्यायनी को छठवें दिन आप शहद का भोग जरूर से लगाएं। नवरात्रि के सातवें दिन, नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, और इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से माना जाता है कि जो आकस्मिक संकट होते हैं वो उससे रक्षा होती है। तो इसलिए नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि को आप गुड़ का भोग जरूर से लगाएं। साथ में आप कोई भी और भी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गुड़ से बना हुआ कोई भी चीज़ हो या गुड़ का भोग आप जरूर से लगाएं। नवरात्रि के आठवें दिन, नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, और माँ महागौरी की पूजा में आठवें दिन नारियल का भोग जरूर से
लगाना चाहिए। और इस दिन कन्या की भी पूजन की जाती है और इन्हीं नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नारियल का भोग लगाते हैं उन्हें संतान संबंधी जो भी समस्या है वो दूर होती है। तो आठवें दिन आप नारियल का भोग जरूर से लगा, नारियल को फोड़कर और प्रसाद के रूप में आप उन्हें जरूर से उस दिन भोग लगाएं। नवरात्रि की नौवें दिन माता सिद्धात्री की पूजा होती है और माता सिद्धात्री की पूजा में हलवा, चना, पूरी, खीर इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर माता रानी को आप उनकी मनपसंद भोग लगाते हैं तो वो आपसे अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे वो जल्दी पूर्ण करते हैं। तो आप इसके अलावा जो भी आप इनको भोग लगाना चाहे वो सब लगा सकते हैं, लेकिन जो इनकी पसंद का भोग है वो आप ज़रूर से लगाएं। यही वो नौ भोग हैं जो आपको नवरात्रि में नौ दिन तक माता के नौ रूप को भोग लगाना है। और ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, आप माता रानी को प्रसन्न करके वो सारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना आप लोग ना भूलें।